ये एक्सरसाइज इससे पद्मासन भी लगता है, पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी आती है और कभी भी स्लिप हो जाओ तो शायद तकलीफ नहीं होगी, बैलेंस बॉडी बैलेंस बना लेती है। आपने देखा होगा अमुक उम्र के बाद बाथरूम से फिसल गए क्या होता है, हाँ हिप जॉइंट में जो हिप कोर होता है वो कभी क्रैक हो जाता है, क्रैक हो गया बिस्तर में रहो। तो इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत कंपलसरी और सबको करना चाहिए। इसलिए हम पैरों की एक्सरसाइज रोज करवाते हैं, आप यहाँ होल्ड करें, थाई से बाहर निकाल लीजिए, पैर को थाई से बाहर। अब लेफ्ट हैंड से पंजा पकड़ो, राइट से टकना, गोल गोल घुमाओ, उल्टी दिशा में, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सभी को करना चाहिए। और यहाँ अगर उस दिन नहीं हो गए तो आप घर पे भी कर सकते हो, बहुत अच्छा। और जिनके पद्मासन नहीं लगता बहुत जल्दी लगने लगेगा। अब एक हाथ से पंजा पकड़े, दूसरा हाथ घुटने के नीचे, आगे से पीछे, एक दो, चलिए अब दाएं बाएं बच्चे को कैसे झूला झूलाते हैं, इससे ऊपर का जॉइंट खुल जाता है, जो बीच का जॉइंट है ये अच्छे से खुलता है, देखो वहीं पर प्रेशर आता है। अब गोलाकार घुमाना है आराम से और कंफर्टेबल घुमाओ, उल्टी दिशा, अब दाएं बाएं जितना ले जा सकते ले जाओ, सम उठाई पर पैर को इस तरह रखिए और नीचे आराम से लूज जाने दीजिए। अब सीने से लगाए नीचे, टच होना चाहिए और नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास। संपन्न, यही क्रिया दूसरे पैर से करिए, यस घुमाइए, उल्टी दिशा में, किसी ने सही कहा है बुढ़ापा वृद्धावस्था पैरों से स्टार्ट होती है, जिनके पैर रुके समझ लो आपका बुढ़ापा आ गया, सीधी बात। इसलिए पैर न रुके चलते रहे उसके लिए एक्सरसाइज जरूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक बार दो बार घुमा दिए, सेंटर को हॉस्पिटल की तरह समझते हैं, डॉक्टर ने बोला यार अभी तो योगा करना पड़ेगा आपको, आएंगे महीना दो महीना और अच्छे हो गए बंद हो जाएंगे, फिर तकलीफ हो गई, ऐसा नहीं, दिस इज नॉट हॉस्पिटल, लाइफ स्टाइल में योग को डालना चाहिए, सीधी बात। हाँ आगे पीछे, आप जरूर जजमेंट करना, ये सब एक्सरसाइज करने के बाद पद्मासन में कितने आगे बढ़ेगा इनका नहीं लगा तो आप जरूर देखना, एक दिन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, अगर रोज करेंगे तो कितने आगे बढ़ जाओगे आप, घुमाओ बोला का, उल्टी दिशा में, दाएं बाएं, अब
जाने दीजिए पैर को आराम से, दोनों हाथ का सहारा लो और इतना भी ज़्यादा नहीं, आप आराम से इजी लूज छोड़ दो इसको, तो जाएगा, टाइट रहेगा तो नहीं जाएगा, ये देखो आराम से, और दोनों हाथ रखो। अब जैसे लगो अब ट्राई करते हैं हम, पहले पद्मासन में कितने आगे बढ़े थे, अब जिनका नहीं लग रहा वो कितने आगे बढ़े। यस राइट पैर फोल्ड। मनुष्य जीवन मिला है तो शान से जीना चाहिए और लाइफ स्टाइल बेहतरीन होनी चाहिए। आचे से माफ ये एक बात कही, जो आदमी अपने को जितना व्यस्त बताता है उसके आगे क्या बोलो रिटर्न, उतना ही वो अस्त व्यस्त होता है। बोलता ना अरे बिल्कुल टाइम नहीं, अरे यार मरने को टाइम नहीं, अरे मर जाओगे तो भी रहोगे, सांस लेने को टाइम नहीं, बोलते ना लोग डायलॉग कसते। इसलिए व्यस्तता के साथ अपनी दिनचर्या सही होनी चाहिए। एक घंटा आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे कितने घंटे अच्छे जाएंगे आप 23 घंटे अच्छे जाएंगे, एक घंटा यहाँ लगाओ 23 घंटे अच्छे जाएंगे। इसलिए मैं तो ये बोलता हूँ आपको कभी योग तो बंद करना ही नहीं चाहिए, रिक्शा जाना रोज आना चाहिए। एक टाइम खाना नहीं खाया कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा एक टाइम का अनाज बचेगा, लेकिन एक टाइम अगर यहाँ नहीं आए तो बहुत नुकसान है। अब तो आप तो सालों से हमारे यहाँ से 25 साल से चल रहा है, कोई 5 साल पहले आया हुआ है, कोई 2 साल पहले आया हुआ है, कोई 1 साल पहले हुआ, कितने लोग आए और गए, लेकिन सेंटर बरोबर चलता रहा, लगातार चलता रहा, कहने का मतलब। तो ऐसी अगर नियमितता है तो आपको लाइफ जीने का भी आनंद आएगा और बीमारी पास में नहीं पड़ेगी, प्लस अब आपकी आत्मा निर्मल रहेगी। मेन बात तो आत्मा निर्मल रहेगी, सीधी बात है। अगर आत्मा निर्मल नहीं है, मृत्यु क्या है निश्चित है, कब आएगी अनिश्चित है, कभी भी आ सकती। एक आदमी के पास यमराज आया, उसने कहा भाई तुम्हारी मौत आ गई, अरे ऐसा कैसा, उसकी दोनों को अच्छी दोस्ती थी, तो उसने कहा भाई मैं तू मेरा अच्छा फ्रेंड है यार, बचा ले थोड़ा देर के लिए, और थोड़ा एक काम कर, तू जितना भाग सकता उतना भाग जा, जितना भाग सकता, अगर उतना एरिया तू कवर कर लेगा तो बचेगा, लेकिन आदमी को जोश रहता है, जोश में होश, कितना भागेगा आदमी, कितना भागेगा, कितना भागेगा, कितना भागेगा, और मौत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। भगवान महावीर भी नहीं, जब भगवान महावीर की जब मृत्यु निकट आ गई तो ग्रह अच्छे नहीं थे, तो देवताओं ने निवेदन किया अभी ग्रह अच्छे नहीं है, आपकी मृत्यु को कुछ आयुष्य को बढ़ा दो। भगवान ने कहा न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में ऐसा हुआ है न भविष्य में कभी होगा, आयुष्य सबका फिक्स होता है, निमित्त कुछ भी बन जाए लेकिन आयुष्य फिक्स होता है। इसलिए हम तो ये कहते हैं आपको जीवन का अच्छा सार निकालो, अच्छा काम करो, पैसा अच्छा एक बात है भरत भाई, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं तो पैसा क्या काम आएगा बताओ।